चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताज़ा अपडेट के लिए। साथियों, जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखो, आप वीडियो देख लेते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, 68,500 की जो पिछली सुनवाई थी, आपको पता है उस दिन सुनवाई नहीं हो, हमने वीडियो के माध्यम से बताया, क्योंकि टीम के द्वारा भी बिल्कुल कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और उधर सरकारी वकील भी नहीं पहुंच रहे, तो बताओ सुनवाई कैसे होगी। आज टीम के द्वारा प्रयास किया गया, टीम के द्वारा ये प्रयास किया गया जिनकी अधिकारी जो हैं नए बने हैं, दीपक सर बेसिक शिक्षा सचिव, प्रमुख सचिव जो हैं बेसिक शिक्षा, उनके द्वारा उनसे मिला गया है और अपनी जो भी है 68,500 में 30-33 कट ऑफ के लिए अपनी समस्या बताया कि टीम आज टीम के द्वारा टीम में जो थे अवनीश यादव और आशुतोष भाई, इनके द्वारा मिला गया है। और दूसरी तरफ जो 68,500 में जो 5% की छूट है उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, तो उन पर अलग किया जा रहा है, ये अलग कर रहे हैं, तो जो इफेक्ट है उसका कम पड़ रहा है। तो सभी टीम को एक होकर करना चाहिए, जिससे 30 सारे ही अभ्यर्थी उसमें 30-33 में सभी का फायदा हो जाएगा। और आपको जैसा सही लगे वैसे करो। आप देखो, आपने सभी ने टीम को हर बार पैसा दिया है, सहयोग किया है पैसों से और हर तरह से सहयोग किया, तो टीम को भी जवाब देना चाहिए। टीम देखो, अब जब पैसा दिया है तो जवाब भी देते, अब कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, चाहे वो संघर्षी भाई हो, संघर्षी को इतना पैसा दिया है टीम के द्वारा, पर अब कोई जवाब नहीं देने को तैयार। क्या सुनवाई हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, तो अब देखना चाहिए कि नए शिक्षा मंत्री बने हैं और उनका जो स्वभाव है बहुत अच्छा है और हो सकता है वे अपनी भर्ती का भी इससे जल्दी से जल्दी निस्तारण करवा दें, तो टीम के द्वारा मिलना चाहिए बार बार जाके बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी और अधिकारियों से भी, और जो जितने भी इससे पीड़ित हैं उन्हें टीम मेंबरों से बात करनी चाहिए, कोर टीम मेंबर है और उन्हें देखो टीम तो अपना काम कर रही है जैसे भी। दूसरी तरफ जो है एक धरने का वो होना चाहिए, जिससे अधिकारियों पर अपना उसका दबाव बने, हाईलाइट हो मामला, जैसे 12,460 का हुआ था, काफ़ी पुराना मामला है, उन्होंने 26 अप्रैल को धरना दिया था, 26-27 को, उसी दिन उनकी मीटिंग हुई थी बेसिक शिक्षा मंत्री से, उन्होंने आदेश कर दिए, उसी के बाद में देखो सुनवाई भी हो रही है, 2-3 दिन लगातार सुनवाई हुई है और 26 तारीख उन्होंने फाइनल सुनवाई के लिए लगवा दिया गया, सरकारी वकील भी पहुँच रहे, जिसमें सरकारी वकील नहीं पहुँच रहे थे पिछले, तो ऐसे ही देखो मामला पुराना है, आप भी जानते हो 23,000 परिवारों से जुड़ा हुआ, 23,000 सीट हैं, तो देखो अगर अभ्यर्थी पहुंच जाते हैं धरने में तो देखो जरूर उनकी कुछ ना कुछ सुनवाई जरूर करवाई जाएगी, अधिकारियों को पता है और जितने भी नेता हैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं संदीप जी, क्योंकि सभी पर दबाव बनता है कि इतने पीड़ित हैं, अब घर बैठे सब ये सोचते हैं कि सब बनी बनाई चीज मिल जाए, ऐसे नहीं होता। तो जितने भी इससे पीड़ित हैं मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसमें बात करके टीम के द्वारा जो भी रखा जाएगा उस पर धरने का वो करा जाए, टीम से बात करी जाए और धरना रखो और टीम अपना कोर्ट का वो देख ही रही है, अवनीश भाई और आशुतोष भाई और संघर्ष जैसे भी धरने में धरने के द्वारा ही कुछ निकल सकता है इसका सोल्यूशन। तो और देखो अभी सुनवाई की जो है कोज लिस्ट नहीं आई है, सुनवाई के लिए जो भी डेट लगेगी हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे, और जैसे ही आज अधिकारियों से मिला गया जो विस्तृत इसकी अपडेट होगी हम वो भी आपको शाम तक, यदि शाम तक हमें मिल जाती है, अभी अपडेट नहीं मिली है, जैसे ही अपडेट मिलेगी हमें कोई 68,500 30-33 कट ऑफ के लिए हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। तो साथियों देखो, हम जो देते हैं देर से देते हैं पर सटीक जानकारी देते हैं, अभी इसमें सुनवाई की तारीख नहीं है पर जल्दी से लगने की संभावना, क्योंकि यही 15-20 दिन है, इसी महीने चलेगी सुनवाई, फिर अगले महीने छुट्टी रहेगी, तो जो भी प्रयास करना चाहती है टीम के द्वारा या जैसे जो भी वो कर सकते हैं, इसके बाद फिर छुट्टी हो जाएगी, फिर प्रयास बेकार रहेगा। तो यदि हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताज़ा अपडेट के लिए।
तो नमस्कार साथियों, धन्यवाद, फिर मिलेंगे कोई ताज़ा अपडेट के साथ शिक्षा जगत की। तो ठीक है साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।